आप देखिए इसके ऊपर ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है वो भी पूरी हिस्ट्री मैंने इस टैंक के बारे में जो ये इसके ऊपर जो हथियार हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये तोप हैं इसके अंदर से मतलब गोला बारूद डाल के भारत के ऊपर अटैक करने का प्लान था उनका। और मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, दिसंबर 1971 बंकर के अंदर चलते हैं जहाँ पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों का मतलब सामना किया था, उनको मुँह तोड़ जवाब दिया था। देखिए आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी जिसके अंदर मतलब ये काल्पनिक किया गया था, पर ये हकीकत वो जगह है जहाँ पर वो बॉर्डर फिल्म वाला युद्ध हुआ था। जो इसको छोड़कर पाकिस्तान यहाँ से भाग गए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सलाम, कैमसो आबाद, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं हूँ राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट और तन्नोट राय का मंदिर मेरे ठीक पीछे इधर है, आप देख सकते हैं ये हाईवे है। और अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ लौंगेवाला। तो लौंगेवाला के अंदर जो भारत पाकिस्तान का 1971 का जो युद्ध हुआ था, तो जो बॉर्डर फिल्म के अंदर आप युद्ध देखते हैं वही युद्ध मतलब लौंगेवाला के अंदर आज भी वहाँ पाकिस्तानी टैंक वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक भाई साहब आए, लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। लौंगेवाला नहीं तो सावल। कितना दूर है लौंगेवाला से? तो फिर आगे आप कहाँ तक जाएंगे? हम तो आगे जाएंगे यहाँ से, जैसे ले जाओ वहाँ तक। चलो वहाँ जाके करेंगे क्या? वहाँ जाके करेंगे क्या? लौंगेवाला गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती। चलो कोई नहीं। तो ये भाई साहब थे, इनके साथ में लिफ्ट मांगी इनसे, पर वो यहाँ तक नहीं जाएंगे, अभी किसी और पर्सन को देखेंगे। तो लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। फिर आपको जो लौंगेवाला का वो नज़ारा है वो दिखाने को मिलेंगे। पाकिस्तानी टैंक जो पाकिस्तानी सेना ने वहाँ पर घोटे टेक दिए थे वो नज़ारा का देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। और पाकिस्तानी भाई लोगों आप भी ज़रूर देखना कि आपके सेना का क्या हलवा था उस रण के मैदान में, और उस टाइम के जो युद्ध हुआ था उसमें। फाइनली दोस्तों हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर भारत पाकिस्तान का 1971 के अंदर लौंगेवाला युद्ध हुआ था जो आप बॉर्डर फिल्म के अंदर देखते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, युद्ध स्थल को करीबी से देखते हैं। वेलकम टू लौंगेवाला युद्ध स्थल। देखिए आप बोर्ड लगा हुआ है इधर, युद्ध स्थल के गेट के बाहर इधर ये आर्मी की दुकान है जहाँ से आप आर्मी के कपड़े या ड्रेसें वगैरह परचेज कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, युद्ध स्थल को बारीकी से देखते हैं। यह है एंट्री गेट लौंगेवाला युद्ध स्थल। ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है याद करो कुर्बानी। आप लौंगेवाले के पवित्र युद्ध स्थल पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा। ये युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद। ठीक है, इधर तिरंगा की तरह ये फ्लैग है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर आते ही दोस्तों यहाँ पर एक जीप खड़ी है, देख सकते हैं आप, आर्मी की। और भाई साहब दोस्तों ये देखिए सामने है पाकिस्तानी टैंक जो इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे आज यहीं पे पड़ा है। आप देखिए इसके ऊपर ये जो पाकिस्तानी फ्लैग है वो भी लगा हुआ है। और यह है पाकिस्तानी टैंक जो इस टैंक के द्वारा वो भारत पे अटैक करने के लिए आए थे 1971 रात के टाइम में।
इधर एक ये जीप खड़ी है और देखिए आप दिक्का लेंस राइफल 106 mm RCL अमेरिकन M14A1 RCL भारतीय उपकरण है। यह एक कम वजन और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का हथियार है और यह मुख्य टैंकों के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है। इसका इस्तेमाल में लाने के लिए 4 जवानों की आवश्यकता पड़ती है। भारत पाक युद्ध 1948, 65 और 71 में इस हथियार को प्रभावशाली इस्तेमाल किया गया। देख सकते हैं आप जीप के अंदर पूरी हिस्ट्री मैंने इस टैंक के बारे में, जो ये इसके ऊपर जो हथियार हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इधर है ये लौंगे वाला ऑडियो यूजुअल। दोस्तों इधर ये म्यूजियम है जिसको आप यहाँ पे आए तो विजिट ज़रूर करें और इधर है ऑडियो यूजुअल थिएटर जिसके अंदर आपको मूवी दिखाई जाएगी, जिसके अंदर बताया जाएगा भाई कैसे क्या युद्ध जो भी कहानी थी वो दिखाया जाता है, जिसके अंदर 25 रुपये का टिकट है, अंदर वीडियो बनाना अलाउ है नहीं। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी हुई है, साफ सफाई का सपना था बापू को ध्यान में, आओ मिलकर सब हाथ बढ़ाए स्वस्थ भारत अभियान में, प्लीज़ अपने देश को साफ सुथरा रखे गंदगी ना फैलाए। और यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है देख सकते हैं, लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो, फैला सको तो प्यार फैलाओ कसरा फैलाना मत सीखो। देखिए आप देशभक्ति की है और ये बीच में विजय स्तंभ अशोक देखिए आप। चलिए पहले आगे विजिट करके आते हैं फिर बाद में आपको इधर लेकर चलूँगा। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिख रखी है देखिए आप, इतनी सी बात हवाओं को बथाए रखना, रोशनी होगी सिरागों में जलाए रखना, लौ लेकर की थी उनकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को दिल में बचाए रखना। ये जो भारतीय वीर शहीद जो हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए आप इस ब्लड टॉप लौंगे वाला 1971 की आप इंग्लिश के अंदर पढ़ सकते हैं हिस्ट्री। और यहाँ पर एक देखिए आप दोस्तों, पाकिस्तानी टैंक के घुटने टेके हुए आज भी यहाँ पर पड़े हैं देखिए आप। शर्मसार देश देखिए आप पाकिस्तान का फ्लैग है उसके ऊपर और ये है वो टैंक जिसको लेकर उसने भारत के ऊपर अटैक करने का सोचा था। बहुत बड़ी रणनीति लेकर वो लोग आए थे पर वो इस जगह से आगे नहीं बढ़ पाए। यह है भारत के वीर जवान नौ की ताकत जो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, देश की मिट्टी के लिए। ये देखिए आप पाकिस्तानी टैंक। यहाँ ऊपर से अंदर घुसते थे मतलब जो दुश्मन थे इसके अंदर और यहाँ से ये तोप हैं इसके अंदर से मतलब गोला बारूद डाल के भारत के ऊपर अटैक करने का प्लान था उनका पूरा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लौंगे वाला युद्ध 1971 के बारे में पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं और मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लौंगे वाला युद्ध में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लौंगे वाला में तैनात थी जो लौंगे वाला में 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित थी। 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी के 51 इफेक्ट्री ब्रिगेड T-59 टैंक और M4 सक्षम टैंक रजिजे थे राजस्थान पर आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लौंगे वाले पर कब्जा करने के बाद में रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4 से 5 दिसंबर 1971 में लौंगावाला पोस्ट पर आक्रमण किया जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने भारी तादाद पाकिस्तानी के टैंक और इफेक्ट्री की लौंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली तो उनके पास दो विकल्प थे या तो वो अपने पोस्ट पर तैनात रहे या उससे छोड़कर हट जाए। उन्होंने अपनी पोजीशन में न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4 से 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान के दो आक्रमणों को विफल किया।
प्रातः 5 दिसंबर 1971 भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हंटर ने हैं हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंक को नष्ट किया। वो हवाई हमला विंग कमांडर MS बाउंड के नेतृत्व में किए गए। मेजर आत्मा सिंह ने हैं वायुसेना में पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने में मदद की। भारी नुकसान के कारण 169 सैनिक मारे गए अथवा घायल, 37 टैंक नष्ट किए गए। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी, वह विंड्रो कर गए, मतलब वो भाग गए थे। उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंक में से 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित हैं और उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद दिलाते हुए 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान का सम्मान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध 23 पंजाब को बैटल ऑनर लोंगेवाला एवं थिएटर ऑनर सिद्ध में विभूति किया गया। ये देखिए आपको मैंने पूरी हिस्ट्री लोंगेवाला बॉर्डर की, जो ये युद्ध है, इसकी बता दी है। अभी चलते हैं आगे। अब दोस्तों उस तरफ चलते हैं, उस बंकर के अंदर चलते हैं जहां पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों का मतलब सामना किया था, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो चलिए उस बंकर की तरफ मैं लेकर चलता हूं आपको। और उससे पहले ये एक प्यारी सी लाइन लिख रखी है, कोई सिख कोई जाट मरा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर भारतवासी। ये रास्ता दोस्तों उस बंकर की तरफ जा रहा है। ये लोंगेवाला इतिहास को आज भारत के कोने कोने से देश का हर देशवासी इस जगह को नमन करता है और उन जो वीर सपूत से जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, भारत के वीर जवानों को सल्यूट करता है। चलते हैं आगे की तरफ। ये जो आप देख रहे हो सामने बंकर, इस बंकर से उन्होंने पाकिस्तानी सेना का सामना किया था, अपने दुश्मनों का सामना किया था भारत के वीर जवानों ने। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन डिपेंड पोस्ट, 3-4 बंकरों में से एक इन्फेंट्री जवानों के इस सेलेक्शन द्वारा किया गया। डिफेंस जो कि आपस में एक कम्युनिकेशन ट्रेस की मदद से जुड़े होते हैं को सेक्शन डिफेंस पोस्ट कहा जाता है। इस सेक्शन पर जमीन पर 100 मीटर का मोर्चा लेता है और इसका नेतृत्व एवं सेक्शन कमांडर द्वारा किया जाता है। ये देखिए आप सुरंग जो आप बॉर्डर फिल्म के अंदर देखते हैं, वो हकीकत की सुरंग ये है जिसमें बॉर्डर फिल्म में फिल्माया गया है। ये देखिए इधर कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, सिपाही जगदीश सिंह की वीर गता। ये देखिए आप उस बंकर के सामने खड़े हैं जहाँ से ही सिपाही जगदीश सिंह ने दुश्मन पर भारी तादाद में है मशीन गन का फायर डाला और दुश्मन को जान और माल का भारी नुकसान पहुंचाया। सिपाही जगदीश सिंह ने अपनी कंपनी पलटन और देश की इज्जत के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन को दांत खट्टे किए। युद्ध के दौरान दिखाई गई अपनी ही बहादुरी के लिए सिपाही जगदीश सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए आप जगदीश सिंह ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था इस बंकर के अंदर और उनको हो मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए आप युद्ध का वो दिन जो इसी जगह से भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला था। चलिए आपको अगले वाले बंकर की तरफ लेकर चलते हैं। यह बंकर है, बंकर की बहादुर सैनिक दुश्मन पर भारी तादाद में मशीन गन और राइफल का करके दुश्मन पर बरामद करते हैं। इस बंकर में 2 या 3 जवान मोर्चा लेते हैं। इस बंकर के अंदर में 2 से 3 जवान मोर्चा संभालते हैं और भारी मात्रा के अंदर मतलब जो मशीन गन और राइफल वगैरह इसके अंदर लेकर उगते हैं। सिपाही जगदीश सिंह की वीर गता, ये वो बंकर है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सूबेदार रतन सिंह की वीर गता के बारे में व्याख्यान किया गया है, देख सकते हैं आप, वीडियो को पोज करके पढ़ सकते हैं। और ये वो जगह है जिसमें से आप जो भारतीय सैनिक उस बंकर से इस बंकर के बीच में जाते थे। देखिए आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी
जिसके अंदर मतलब ये काल्पनिक किया गया था, पर ये हकीकत वो जगह है जहाँ पर वो बॉर्डर फिल्म वाला युद्ध हुआ था। ये देखिए आसपास में थार का रेगिस्तान, देखिए आप यहाँ पर ऐसे मतलब एक तो ये इसको हम बुआड़ी बोलते हैं, और ये वाला है फोग, और ये है खेजड़ी, राजस्थान का राजीव वृक्ष। ये देखिए दोस्तों वो वाली जगह, तो कभी न कभी यहाँ पर भारतीय सेना ने उस बंकर से इस बंकर में आवाजावी की थी, और आज हम इस जगह पे चल रहे हैं। गर्व है हम ऐसे भारतीय वीर जवानों पे, माँ भारती के लालों पे। लॉस नायक मथुरा दास की ये आर्शल जीप जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आर्शल जीप है जिसे लॉन्स नायक मथुरा दास ने दुश्मन के टैंकों पर कारगर फायर डालकर उसको बर्बाद किया था। इससे दुश्मन का मनोबल टूटा और उनका दोपहर का खाना जैसलमेर में खाने का सपना मिट्टी में मिल गया, चूर चूर हो गया। भारतीय सेना का सामना, इस महाभारती के वीर जवानों का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत माँ का आशीर्वाद है इन वीर जवानों पे। ये वो जीप है दोस्तों, इस जीप के जरिए जो ये हथियार है ना इसके ऊपर रखा हुआ, इसके इस हथियार से उनके ऊपर अटैक किया था। अभी तो दोस्तों मैं आपको एक और पाकिस्तानी टैंक है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर घुटने टेके हुए आज भी पड़ा है, जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। और ये वही जगह है जहाँ पर ये भारतीय सैनिक इस बंकर से, वो सामने बंकर देख रहे हैं उस बंकर में आवाजावी करते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन के अंदर अंदर चलना पड़ता था। ये ज़मीन के बराबर बिल्कुल बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। अभी आपको नेक्स्ट बंकर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बंकर है, इसके अंदर जो बंदूक के और बारूद वगैरह लेकर इसके अंदर सैनिक सामने वाले दुश्मनों पर अटैक करते थे, इस प्रकार देख सकते हैं आप। और आगे एक और बंकर है आपको अभी दिखाते हैं। 1971 का युद्ध लोंगे वाला, भारत पाक के बीच में युद्ध हुआ था। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, देखिए भारत का टैंक, भारतीय सेना का टैंक जा रहा है आर्मी का। जय हिंद जय भारत, सलूट है आप वीर जवानों को जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी आन बान और शान के लिए तैयार हैं। भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये ठीक मेरे सामने वो बंकर आ चुका है जहां से 1971 के अंदर पाकिस्तानी जो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन है, उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। भारतीय के जाबाज सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। देखिए आप ये वो बंकर है। अभी दोस्तों उधर चलते हैं जहाँ पर एक पाकिस्तानी टैंक के बुरे हाल किए हुए यहाँ भारत के अंदर पड़ा है, तो आपको वो टैंक दिखाता हूँ। और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं पाकिस्तानी भाइयों, ये बुरे मानने वाली बात नहीं है, आपकी सेना ने के साथ में ऐसा ही होना था जैसा हुआ। ये देखिए सामने पाकिस्तानी टैंक। यह है दोस्तों पाकिस्तानी टैंक जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर घुटने टेके हुए पड़ा है, देख सकते हो। इस टैंक को भी शर्म आ रही है ऐसे देश पर, देखिए आप। ये देखिए उनका फ्लैग,
ये हैं दोस्तों वो पाकिस्तानी टैंक जो इसको छोड़कर पाकिस्तानी यहाँ से भाग गए थे। ये हैं दोस्तों पाकिस्तानी ट्रक, मिनी ट्रक जिसको आर्मी वाले यहाँ पर भारतीय सेना ने इसको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया। आज ये घुटने टेके हुए यहाँ पर पड़ा है, देख सकते हैं आप हिंदुस्तान की सर जमीन पर, देखिए आप। और ये देखिए उनका फ्लैग पाकिस्तान का, ये देखिए। हे वतन आबाद रहे तुम। तो दोस्तों यहाँ पर हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध जो आप बॉर्डर फिल्म के अंदर देखते हैं लोंगेवाला के अंदर। तो ये थी युद्ध स्थली जो आपको मैंने दिखाई। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इधर है ये युद्ध के मतलब और स्मारक वगैरह, तो वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ है नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ओके बाय, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।